हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ये वाला बंगाली मेकअप लुक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज अप्लाई कर लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर की जगह स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर मेकअप बेस अप्लाई कर रही हूँ। मेरा शेड है गोल्डन पिंक। इसका एक और शेड आता है, आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। इसको मैं अब अच्छी तरह से अपनी स्किन पे अप्लाई कर लूँगी, जिससे ये काफ़ी अच्छा ग्लोई और ड्यूई सा बेस प्रोवाइड करेगा हमें, जो कि बंगाली मेकअप लुक के लिए या बेसिकली कोई भी ब्राइडल मेकअप लुक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद का इसमें यहाँ पे मेबलिन के फिट मी फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड है 310 गोल्डन बेज। तो मैंने यहाँ पे अच्छे अमाउंट में फाउंडेशन को अप्लाई किया है। इसके बाद मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से अपने फेस पे ब्लेंड कर लूँगी, जिससे कि मेरा फेस काफ़ी फ्लॉलेस दिखेगा और बेस बिल्कुल भी केकी और पैची नहीं दिखेगा। सो गाइस, एक टिप है कि आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से जैसे भी आप चाहें ब्लेंड करें, लेकिन ब्लेंडिंग में अच्छा टाइम दें, जिससे कि जो बेस है वो केकी नहीं होगा और बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा और पैची भी नहीं लगेगा। सो गाइस, हमने फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैं मार्स का कॉन्टोर पैलेट लेके इसमें से अपना कंसीलर शेड लेके इसे मैं अपने हाई पॉइंट्स पे और जिन एरियाज में मुझे कंसीलिंग की ज़रूरत है वहाँ पे अप्लाई करके सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्रीम कंसीलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो लिक्विड कंसीलर या स्टिक के कंसीलर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाई कवरेज मेकअप करने का ट्राई किया था, तो मैंने सोचा कि क्रीम कंसीलर को यूज़ किया जाए। आप जो चाहें वो कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद हम इसे लूज़ पाउडर से सेट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का ये लूज़ पाउडर लिया है। सो गाइस, लूज़ पाउडर को हम थोड़े ज़्यादा अमाउंट में लगाते हैं, जिससे कि हमारा कंसीलर बिल्कुल भी केकी नहीं दिखेगा और क्रीज नहीं करेगा। तो इसे अच्छी तरह से मैं पाउडर से सेट कर लूँगी। इसके बाद हम इसको डस्ट ऑफ भी कर लेते हैं पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद, या फिर मेकअप सेटिंग स्प्रे से भी ये काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो जाता है और बिल्कुल स्किन पर एक्स्ट्रा नहीं दिखता। सो गाइस, इसके बाद मैं सेम पैलेट में से कॉन्टोर शेड लेके उससे मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। तो मैंने इस शेड को अप्लाई करके उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड किया है, और अगर आप चाहें तो इसको ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइस, अपने कॉन्टोर शेड को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद मैं उसे सेट करूँगी ब्रॉन्जिंग पाउडर की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने सिवाना की चीक एंड कॉन्टोर पैलेट से ये ब्रॉन्जर शेड लिया है। इसे मैं ब्रश की हेल्प से लेके जहाँ पे भी मैंने कॉन्टोर शेड लगाया था उन एरियाज को मैं इससे सेट कर लूँगी। इससे क्या होता है कि हमारे स्किन को काफ़ी अच्छा, हमारे फेस को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और काफ़ी अच्छे कट्स मिलते हैं। लाइक अगर आपकी नोज़ पतली नहीं या शार्प नहीं है तो आप कॉन्टोरिंग के साथ में ब्रॉन्जिंग यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा शार्प इफ़ेक्ट दिखता है आपकी स्किन पे। तो आप देख सकते हैं मेरा फेस चबी है, लेकिन अपने फेस को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है। इसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ये आईब्रो पैलेट लिया है। इसमें से डार्क ब्राउन शेड लेके मैं इसे अपने आईब्रोज़ के गैप्स में अच्छी तरह से फिल करूँगी। इसके बाद मैं इसे स्पूली की हेल्प से कॉम कर दूँगी, जिससे कि सारा प्रोडक्ट अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा और
कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा, जिससे हमारी आईब्रोज नेचुरल लगेंगी। इसके बाद मैंने सिवाना के सेम पैलेट में से ये ब्लश शेड लेके उसे एज अ ब्लश अप्लाई किया है। तो मैं इसे एप्पल ऑफ द चीक्स पे नहीं लगा रही हूँ, मैं इसको अपने कॉन्टोर के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि हमारा फेस थोड़ा सा लिफ्टेड दिखेगा। सो गाइस, अब इसके बाद हम अपने आई मेकअप पे चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बर्नट ऑरेंज शेड लेके इसको ट्रांजिशन पे अप्लाई किया है। तो काफ़ी लाइटली मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगी, जिससे कि हमें अपने क्रीज पे एक ट्रांजिशन शेड मिल जाएगा। इसके बाद मैं सेम पैलेट में से ये डार्क रेड शेड लेके इसको मैं अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी और अपने आउटर वी पे भी इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। सो गाइस, आई शेडोज़ के साथ में हमें ब्लेंडिंग अच्छे से करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि हमारा आई लुक काफ़ी शार्प और क्लीन दिखता है। इसके बाद मैं सेम पैलेट से वो डार्क रेड शेड और ब्राउन शेड को मिक्स करके उसको अपनी पूरी आईलेट्स पे अप्लाई कर लूँगी, और जिससे कि हमारे आईज़ पे थोड़ा डेप्थ होगा। और मैं थोड़ा सा कट क्रीज लुक क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैंने एज अ बेस इसको अप्लाई किया है। इसके ऊपर हमें फिर कंसीलर अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने ब्लैक शेड लेके उसको अपने आउटर वी पे थोड़ा सा स्मोक आउट किया है, जिससे कि हमारे आईज़ को थोड़ा स्मोकी लुक मिल सके। एंड गाइज, इसके बाद मैं अपने मार्स के सेम पैलेट में से ये कंसीलर शेड लेके इसे कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने अपने हाफ आईलिड्स पे कट क्रीज किया है, जिसके ऊपर मैं अपने सेम SFR के हेटेड विथ लव पैलेट में से ये गोल्डन सा मेटेलिक शेड लेके उसको अपने फिंगर्स के हेल्प से अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि बाद में हमें ग्लिटर्स अप्लाई करने हैं तो उसके लिए एक अच्छा गोल्डन बेस रेडी हो जाएगा। एंड गाइस, इसके बाद मैं सेम पैलेट से ये गोल्डन सा शेड लेके, ग्लिटर शेड है ये, इसको मैं अपने फिंगर से ही डैब करके अच्छे तरह से अप्लाई करूँगी। सो गाइस, आपको कभी भी बहुत ज़्यादा प्रेस या रब करके ग्लिटर्स को अप्लाई नहीं करना है, आप इसको स्लाइटली डैब करेंगे, जिससे कि आपके आईलेट्स पे अच्छे से ये प्लेस हो जाएगा। एंड इसके बाद मैं अपने NYBA का आईलाइनर लेके इसे एक अच्छा सा लाइनर ड्रॉ करूँगी। सो गाइस, आपने देखा होगा बंगालीज़ का आई लुक काफ़ी अच्छा होता है, और वो थिन सी लंबी सी विंग ड्रॉ करते हैं, तो मैंने ट्राई किया है कुछ वैसा ही आईलाइनर अप्लाई करने का। सो गाइस, हमने अपने आईलाइनर को अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ अपनी L18 की ब्लैक काजल को लेके उसे अच्छी तरह से अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी, और मैंने इसे अपने अपर वाटर लाइन को भी टाइट लाइन किया है। इसके बाद मैं इसे एक स्मजर ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से स्मज कर लूँगी, जिससे हमारे आईज़ को एक स्मोक आउट इफेक्ट मिलेगा, और मैं इसे लाइटली अपने विंग में ज्वाइन कर दूँगी। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी आईलैशेस अप्लाई कर लेंगे, और मैंने यहाँ पे मस्कारा से अपने आईलैशेस को कोट कर लिया है। एंड गाइस, इसके बाद हम जो भी एक्स्ट्रा पाउडर या प्रोडक्ट हमारे फेस पे है उसको हम अच्छी तरह से डस्ट ऑफ कर लेंगे, और मैंने अपने ग्लैम के ब्रिक हाइलाइटर से ये शेड लेके अपने फेस को अच्छी तरह से हाईलाइट किया है। सो गाइज, हमने यहाँ पे एक शैम्पेन काइंड ऑफ शेड लिया था, जिससे हमने अपने पूरे फेस को अच्छी तरह से हाईलाइट किया है, और यह हाइलाइटर काफ़ी नेचुरल लुक देता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पिंकिश रेड काइंड ऑफ डार्क लिक्विड लिपस्टिक को अप्लाई किया है। आप चाहे अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो कलर चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं, मुझे ये शेड बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसको अप्लाई किया है। Thank you.
एंड गाइस ऑलमोस्ट हमारा लुक कंप्लीट हो चुका है। सो ये है हमारा फाइनल लुक। सो गाइस हमने यहाँ पे रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन किया है। ये रेड तो नहीं है लेकिन मरून है। तो हमने ट्राई किया था कि इस लुक को जितना हो सके बंगाली टच दिया जाए। तो मैंने एक रेड बिंदी अप्लाई की है, कुछ चूड़ियाँ और कुछ ज्वेलरी के साथ में। मैंने इस लुक को मिनिमल रखने का ट्राई किया है क्योंकि ऑलरेडी हमारा मेकअप काफ़ी बोल्ड है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो बेस अप्लाई किया है वो काफ़ी ग्लोई है और बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फेस पे मेकअप अप्लाई किया गया है। तो अगर आप बेस को अच्छी तरह से बिल्ड करते हैं तो आपका मेकअप फ्लॉलेस लगता है और थोड़ा नेचुरल दिखता है। सो गाइस ये था हमारा आज का बंगाली मेकअप लुक। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा है, या फर्दर इस टाइप का कुछ और लुक देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में वो भी बता सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।